तो आज हम इंडिया के 2024 साइंस टेक ये सब अचीवमेंट जानेंगे इन सब कैटेगरीज में। सबसे पहले स्पेस के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2024 को XPoSat लॉन्च हुआ था। ये एक एक्सरे पोलराइजेशन सेट है जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ऑब्जर्व कर सकती है एक्सरे सोर्सेज को, कोई और सैटेलाइट नहीं कर सकता। ये काफी स्पेशल है और मैं एक काम कर रहा हूं इसके एक वीडियो के ऊपर जो बहुत डीप होने वाला है, तो टाइम लगेगा, आई थिंक कुछ महीने लगेंगे इसको। तो हाँ, 6 जनवरी को आदित्य L1 पहुंचा L1 ऑर्बिट लग्रांज 1 पॉइंट। ये अकेला ये फर्स्ट है इसरो का जो L1 जा चुका है, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है इंडिया के लिए नहीं, पूरे धरती के लिए। इसके ऊपर जो क्रोनोग्राफ है वेलसी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड क्रोनोग्राफ है एक सिंगल पैकेज में, क्योंकि वो जितना क्लोज देख सकता है सरफेस के और कोई नहीं देख सकता। प्लस इसका जो दूसरा पेलोड जिसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर 3D वीडियो बनाया, वो है सूट, जो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस यूवी टेलीस्कोप है जो सन को देखता है। ये ऐसे वेवलेंथ में सन को देखता है जो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया का नहीं देखता है। आप देख सकते हो मेरा उस वीडियो देख जानने के और जानना है तो। इसके बाद आता है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट हमारा मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप है, बेसिकली मल्टीपल अलग अलग चीजें में देख सकता है वो। हर साल इसके बहुत पेपर्स निकलते हैं, बहुत रिसर्च निकलता है। इस साल मैंने ये सिलेक्ट किया जहाँ पे उसने एक एक्सप्लोजन कैच किया एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, जो हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। बेसिकली उसने एक फ्लैश देखा और वो था जब एक वाइट ड्वार्फ ने एक सन जैसे स्टार को स्वॉलो कर लिया। काफी कूल है ये सब जो डेटा निकलता है। सेकंड एस्ट्रोसैट की तरह जो बहुत डेटा और रिसर्च पब्लिश करता है वो है GMRT, या जो हमारा बड़ा रेडियो स्केल टेलीस्कोप है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो पुणे में है। इसने मतलब ये डेटा पब्लिश करेगा, फिर एस्ट्रोनॉमर्स वो डेटा इंटरप्रेट करेंगे। इसने 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्सेज ढूंढे। बेसिकली बहुत बड़े रेडियो सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के, मतलब बहुत बड़े। उसमें आपको ब्लैक होल्स मिलेंगे, गैलेक्सीज मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो उसने ये ढूंढ के निकाला। स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक थ्रस्टर टेस्ट किया। एंड इंडिया का फर्स्ट मतलब इंडिया का फर्स्ट, इसरो से भी पहले। ऐसे नहीं कि इसरो ने फ्लाई नहीं किया, बट जब उन्होंने फ्लाई किया था रॉकेट में कुछ गड़बड़ था तो कभी टेस्ट नहीं हो पाया, और वो इस साल बड़ा वाला फ्लाई करेंगे इसरो। बट हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कोई स्टार्टअप ऐसे डीप टेक इतने नीश फील्ड में कुछ बना रहा है जैसे इलेक्ट्रिक थ्रस्टर। एनीवेज उस पे वीडियो बनाया मैंने। अग्निकुल इंडिया का पहला semi-cryo रॉकेट, सब ऑर्बिटल रॉकेट था, पर उन्होंने लॉन्च किया। काफी सालों से हम वेट कर रहे थे ये होगा, फाइनली हुआ एंड काफी स्मूथ था लॉन्च। काफी लोग पॉइंट करेंगे कि मुझे स्पेडएक्स को भी मेंशन करना चाहिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, बट वो टेक्निकली 2025 में प्रूव कर रहा है खुद को, तो नहीं। टेक ने आई की बात करते हैं। लास्टर कहा था टेक ने आई सेक्शन में कि इस साल बहुत मॉडल्स देखने मिलेंगे हमें स्टार्टअप से वगैरह, पर जो बेस्ट मॉडल्स है इतने बड़े हो गए कि उस लेवल के मॉडल ट्रेन करना बहुत महंगा हुआ है, तो कोई स्टार्टअप ऐसे आया नहीं बड़े मॉडल को लेकर। कृत्रिम का भी कोई नया वर्जन ऐसा आया नहीं, एंड वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था कृत्रिम। बट एनीवेज उसका मतलब ये नहीं कि कुछ कूल चीजें हुई। TIFR और DRDO ने साथ में मिलकर एक 6 qubit का क्वांटम कंप्यूटर अनाउंस किया। अब इसमें TCS भी इन्वॉल्व है कुछ, तो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म कुछ तो है, बट ज्यादा डिटेल्स नहीं इसके बारे में, वही लाइक डिफेंस है तो शायद होगा नहीं। बस एक बोल रहे उस प्रेस रिलीज में कि ये एक रिंग रेजोनेटर है। उसका मतलब क्या हो मुझे नहीं पता। आइडियली एक रिंग में वो फोटोन को रेजोनेट कर रहे या ऐसे कुछ, तो नॉट श्योर। आई थिंक सेकंड जो हो बोल सकते हैं हम जो बहुत बड़ा है वो है कि टाटा एंड PSMC ताइवान का कोलैबोरेशन जो है फैब के ऊपर, सेमीकंडक्टर फैब के ऊपर, वो फाइनली अप्रूव हुआ। ये बड़ा डील है और ये प्रेस रिलीज में मेंशन करते हैं कि अप टू 28 नैनोमीटर जा सकते हैं। कुछ रूमर्स ये भी बोल रहे हैं कि वो 14 नैनोमीटर एक्सपेरिमेंटल नोड पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत क्रेडिबल कंपनी है PSMC ताइवान की। एंड नॉट टू मेंशन, काफी लोग भूल जाते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो MD और CEO है वो है रणधीर ठाकुर, जो लाइक उनका प्रीवियस जॉब था वो इंटेल का फैब हेड करते थे, तो काफी मतलब सीरियस है टाटा। तीन और रुद्रा, परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स ऐड हुए। इन तीनों का टोटल रफली 5 petaflop होता है, 4 point something, बट आई डोंट थिंक ये अचीवमेंट में मेंशन होना था। ये नहीं उतना इंप्रेसिव है। एंड बहुत टाइम हुआ मैंने सुपर कंप्यूटर रिलेटेड कोई कंटेंट बनाया, आई थिंक लास्ट वो ARM प्रोसेसर पे था, तो मुझे डिग इन करना होगा ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन पे क्या चल रहा है और हम इतने लो क्यों है इसमें। देखते हैं, मेरा पहला वो इनिशियल बैकलॉग क्लियर होना, तो फिर ये सब देखेंगे। न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं, बहुत चीजें न्यूक्लियर के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो जाडू गुड़ा जो झारखंड में है, वहां पे नया डिपॉजिट मिला है एग्जिस्टिंग माइन में ही, और जिसके वजह से उस माइन का लाइफ जो है 50 साल से एक्सटेंड होता है। जाडू गुड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका फर्स्ट था, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई थिंक ये लोग है का नाम है जो करते हैं ऐसा माइन, तो उनका फर्स्ट माइन था ये, अभी भी चल रहा है 1948 से लेकर। सेकंड बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे PHWRs बन रहे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, 700 MW के, गुजरात में जो था वो ऑपरेशनल हुआ कमर्शियली। प्लस ये रावतपेटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, उसका भी ऑपरेशनल होने आया है। अब वो रावतपेटा का थर्ड है। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो पूरा PHWR 700 MW वाला है वो फ्लीट मोड में कर रहे हैं, मतलब 16 रिएक्टर्स उन्होंने सेंक्शन किए, तो ऐसा होलसेल मतलब खरीदना, राइट, ताकि अच्छे प्राइसिंग मिले, ज्यादा फास्ट हो सके। तो देखते हैं कितना जल्दी होता है
2016 क्योंकि उस हिसाब से वो अपने नेक्स्ट बड़े रिएक्टर पे काम शुरू कर सकते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट अनाउंसमेंट न्यूक्लियर रिलेटेड होगा ये जो हमारा PFBR है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका सोडियम फिलिंग हो गया जो उसका कूलेंट है जो उसे थंडर किया, एंड उसका कोर लोडिंग भी शुरू हुआ, तो इस साल हमें शायद क्रिटिकलिटी देखने मिले। अब PFBR जो है हमारा सेकेंड स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो प्लूटोनियम जो वेस्ट था प्रीवियस स्टेज का, करंट स्टेज का, उसे प्लस यूरेनियम को डाल के और प्लूटोनियम इससे निकाल सकते हैं, इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं क्योंकि और भी जितना आप डाल रहे हो उससे ज्यादा बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट फेज के लिए जहाँ पे थोरियम प्लस यूरेनियम यूज होगा। तो हाँ देखते हैं, मेस टेलीस्कोप, मेजर एटमोस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। अब ये न्यूक्लियर में क्यों है, क्योंकि ये इस पे काम कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और अगर आपने मेरा बहुत पुराना वीडियो देखा है इंडियन टेलीस्कोप्स के ऊपर जहां मैं मेंशन कर रहा हूं क्या क्या टेलीस्कोप इंडिया में क्या करता है, उसमें मैंने मेस को मेंशन किया है, और मेस को मेंशन करते हुए ये बोला है कि ये बहुत डिलेड है, और वो भी 7 या 8 साल पहले वाला वीडियो है, तब से अब जाके वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। 10 साल से ज्यादा चल रहा है ये प्रोजेक्ट। अब ये एशिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है, दुनिया का आई थिंक सेकंड। अब चेरेनकोव टेलीस्कोप क्या है, चेरेनकोव मतलब क्या, बेसिकली इट्स लाइक सोनिक बूम ऑफ लाइट। तो जब भी गामा रेज आते हैं सन से वो स्पीड ऑफ लाइट पे आ रहे हैं, पर जब वो एटमॉस्फेयर एंटर करेंगे, अब देखो एटमॉस्फेयर की स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से कम है, तो इट्स लाइक सोनिक बूम जैसा सिचुएशन, राइट? आप फास्ट जा रहे हो आप वर्सेस आपके जो आपको जो मीडियम है उससे ज्यादा, तो फिर वो थोड़ा ब्लू ग्लो होने लगता है, इट्स लाइक अ सोनिक बूम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपने देखा होगा चेरेनकोव वाला। तो वही ये टेलीस्कोप मेजर करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, गामा रेज वगैरह को स्टडी करेंगे। ऑल्दो नॉट एन अचीवमेंट, पर इसमें मेंशन किया था इनके डॉक्यूमेंट में कि 2025 के लिए एक हैम है, वो है LIGO इंडिया का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, उसमें भी DAE इन्वॉल्वड है, तो ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा इंडिया के लिए। मैंने बनाया LIGO इंडिया पे वीडियो। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मेरा वीकेस्ट सेक्शन, मेरे को नहीं समझता बायोलॉजी अच्छी तरह। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ नेफिथ्रोमाइसिन, ये एक इंडिजिनियस एंटीबायोटिक है जो ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया को ट्रीट करेगा। सेकंड आते हैं IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में, इन्होंने नेक्स्ट कार 19 ये कार टी सेल थेरेपी डेवलप की। इसमें बेसिकली आपके इम्यून सेल्स को ही मॉडिफाई किया जाता है कैंसर्स को फाइट करने के लिए। मुझे बता भी नहीं था ऐसे भी कुछ कर सकते, ये सुनने में क्रेजी लगता है। एंड वो अपेरेंटली बहुत महंगी है जो क्लासिकल वाली आती है, तो जो इन्होंने डेवलप की है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, नॉट जस्ट टू इंडियंस बट बाहर के लोगों के लिए। ओशन के बारे में बात करते हैं, आपको बता मेरे को ओशन बहुत पसंद है, मैंने रिसेंटली ओशन सेट के ऊपर वीडियो बनाया था, जो बेसिकली बहुत सारे कोस्टल लोग जो है वो फिश के ऊपर डिपेंड है ओशन में फूड के लिए, उनका बेसिकली पेट भरता है ये, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है फिशरमैन की फिश ढूंढने में। वही ऑर्गेनाइजेशन जो उसके साथ लिंक्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT एंड NCPOR, इन्होंने फर्स्ट ढूंढा एक एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट जो 4.5 किलोमीटर डीप है इंडियन ओशन में। अब हाइड्रोथर्मल वेंट आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, बेसिकली ओशन के फ्लोर पे एक होल है जहां से गर्म पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि होल इतना डीप है कि वो नीचे जाके मैग्मा को टच कर रहा है धरती के, एंड वहां से पानी ऊपर आ रहा है। अब उसके साथ काफी रेयर मिनरल्स वगैरह भी आते हैं, तो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसको फंडिंग लगेगी, तो वो लोग वही कह रहे हैं कि और फंड करना चाहिए एक्सप्लोरेशन। लास्ट हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी इंटरेस्टिंग है, मैं रिसेंटली नेशनल म्यूजियम विजिट किया था इंडिया का जो दिल्ली में है, और वहां पे मैंने ये फोटो शेयर किया था जो बेसिकली एक वेल प्रिजर्व्ड स्केलेटन है एक हराप्पन एरिया लेडी का, जो 165 सेंटीमीटर टॉल है। और उसके आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड में बैंगल भी है, राइट? ये काफी इंटरेस्टिंग है, इतना पुराना हम देख रहे हैं, इसलिए आई थिंक ये 8th century BC, तो क्रेजी। मैं आर्कियोलॉजी में बात कर रहा हूँ कि रिसेंटली इंडिया में गुजरात में कुछ रिसर्चर्स ने फॉसिल्स ढूंढे वासुकी इंडिकस की, जो एक बहुत पुराना स्नेक है, और ये एस्टिमेटेड लेंथ हो सकता है इसका 10 से 15.2 मीटर, जिससे वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्नेक बन जाएगा। यही था, स्पेशल थैंक्स जिन्होंने भी ट्विटर पे हेल्प किया ये सब हाईलाइट करके, क्योंकि इस साल इंडियन साइंस अचीवमेंट्स और एक कूल अचीवमेंट जुड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो विज्ञान प्रसार है, जो हमेशा ऐसे नीश छोटे जो ऐसे अचीवमेंट्स पब्लिश करते थे जो कभी मीडिया कवर नहीं करती थी, तो ढूंढना बहुत आसान हो जाता था ऐसी चीजें, अब मुश्किल हो गया है। तो वही सोच रहा हूँ मैं खुद का ही कुछ स्टार्ट कर लूँ, और सब मेंबर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2024 में सपोर्ट किया। आई होप मैं 2025 में और भी ज्यादा अच्छा कर पाऊँ आपके लिए। थैंक यू। जयम शर्मा, रोहित सोरना, उटल चैतन्य, कार्तिकेय देवाल, विशाल भारत, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, कुमार अखिल, चंद्रबदन सिंह, श्रीकांत कापड़ी, मुन्र, विशेष वत्सल, वॉट्स न्यू, विद्यासागर, रोनक, थैंक यू सबको।